अच्छा रफ्तार ब्रो, यार तुम्हारा तुम्हारे गेम में मैंने बहुत रफ्तार देखी है, जो स्ट्रीम पे देखा था ना, अरे भाई यार क्या नॉन स्टॉप गेमिंग दिल में है भाई, तुमने तो दिल जीत लिया। रफ्तार। मैं कुछ बोलता अरे नहीं बोल पाऊंगा। सुनो चलिए भाई, बेंडर वाली ट्रिक यहाँ पे प्लेयर में हम लोग देखने को मिल रही है रफ्तार में, और रफ्तार सी लग रही है इसकी गेम में। भाई बहुत और तेज है भाई तो। अरे भाई इसकी रफ्तार को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जेरोक्स को तभी जाके बात बनेगी, वरना मैच आराम से लेते हुए नजर आएंगे रफ्तार इस मैच के अंदर उसे ये ब्रो। मैच सही करा है भाई, दोनों की रफ्तार रहती है, एक का तो सही नाम ही रफ्तार रफ्तार भाई, है। सच में रफ्तार है तो। अरे गाड़ी से भी तेज भाग रहा है चक्कर आ रहे हैं तो। भाई मेरे को, भाई आज प्लेयर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं नो सब ब्रो, यार रिएक्शन स्ट्रीम से हमेशा ऐसे ही सबको खतरनाक क्लियर आते हैं। पिन कोड से लेते हैं तो कुछ टाइम पास वाले भी आ जाते हैं। भाई को आज मौका मुश्किल मिलने वाला है, क्योंकि ओहो कहते ही है जैसे व्हाट, कुछ बोलता हूँ तुरंत देख लेते हैं मैच कैसा होने वाला है। फन उन्होंने रफ्तार फिर से तैयार और जेरा भी तैयार है, फन उन्होंने तो लेके आए क्या रफ्तार दूसरे राउंड में, तो ये चीज थोड़ी अलग लेके आए यहाँ पे, बंदा 200 बच्ची हमेशा चलिए देख लेते हैं। यूएमपी यहाँ पे रफ्तार लेके आए गए मैंने। ओहो भाई यार, ये हर शॉट जेरोक्स ऐसा मारते थे, मोंटेज बना रहो भाई। जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा कर रहे हो, चलो यार बंदे को थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए या फिर थोड़ा सा रिलैक्स के लिए गेम खेल लेना चाहिए, और फिर धीरे धीरे अगर तुम उसमें भी अच्छा करोगे भाई, धीरे धीरे चैनल ओपन करोगे वहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फिर तो पेरेंट्स मान जाते हैं भाई। सभी की मौत की कहानी करके देखते मिलती है, जब धीरे धीरे तुम अच्छा करने लगते हो ना तो फिर मान जाते हैं, बस एक बार देखिए कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है, सफल हो रहा है, उस राह पे बंदा दिख रहा है। फनी गेमर ब्रो स्टडी ब्राउन 9 में है और मैं 8 में हूँ। अरे भाई भाई मैं शौक पता है इस हेडसेट से नहीं, पहले उससे हुआ। शॉर्ट भाई क्या कहना चाहोगे भाई, रफ्तार तो बिल्कुल रफ्तार दिखा रहा है, बहुत तेज है प्लेयर रफ्तार पे। बात करें तो जेरोक्स को उस समझ के खेलने पड़ेंगे, पर यहाँ पे मैच इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे जेरोक्स, क्योंकि हमने देखा है इनको हमेशा पास में, ये बाजी मार ही लेते हैं चाहे इनके हाथ से निकल जाए या नहीं, फिलहाल देखेंगे क्या कुछ करें। रफ्तार फिर से 200 के इसकी मूवमेंट बहुत तेज है, ये चीज देखते ही बड़ा मजा आता है। बंदे आजकल मूवमेंट में कितना काम करते हैं, किसी भी बंदे को ले लो वो बंदा अपनी मूवमेंट ही, हर कोई आज के टाइम में अच्छी मूवमेंट दिखाता है और गेम प्ले जिसकी एक्यूरेसी रहती है फिर वो भगवान बन जाता है, वरना फिर दिक्कतें में रह जाती है, क्योंकि बहुत से बंदे सिर्फ मूवमेंट पर फोकस करते हैं, पर यहाँ पर रफ्तार की अब तक लास्ट राउंड में हमने एक्यूरेसी भी देखी है, पर इस राउंड में देखेंगे क्या कम बैक होगा, फिर से 2-2 पे मैच ले पाएंगे या फिर जेरोक्स यहाँ पे एक और टीका लगा देंगे इनको। मैच अभी भी 1-2 पे जा रहा है। ठीक है यहाँ पे बात कीजिए, 1-2 यहाँ पे स्कोर हो चुका है, और रफ्तार जितनी मूवमेंट यहाँ पे फर्स्ट गेम में दिखा रहे थे ना फर्स्ट वाले राउंड में सेकंड राउंड में, तो उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, उन्होंने सोचा भाई मेरे को एक्यूरेसी पे वर्क करना है। पर ये हेड क्या ही मारा जेरोक्स ने, या फिर आईपीएल या फिर भाई क्या, ये क्या बात हुई यार, मैं सुना था सब देख क्या। अरे तो मैं हाईलाइट देखता हूँ, मेरे को पता है ना अभी इंडिया आईपीएल में है। हाँ तो अभी इंटरनेशनल टीम में नहीं है ना, आईपीएल में है। आईपीएल में तो बहुत ऐसे ऐसे प्लेयर है गाइस, बहुत अच्छा खेलते हैं और वहीं से फिर वो स्टार प्लेयर खेलते हैं आगे के लिए। और यहाँ पे भी एक मौका है सबके पास स्टार प्लेयर बनने का, दिया फ्री फायर के अंदर में, यहाँ पे हम मौका देते हैं, कंट्री में मिलता है आपको कंट्री के लिए खेलने का, यहाँ पे भी कंट्री के लिए खेलने का ही मौका मिलेगा। और भाई क्या मार रहा है लिटरली, ये भी यार रफ्तार की रफ्तार तो है, ये तो मानना पड़ेगा, बट भाई एक्यूरेसी जरा उसके सामने कैसी रहेगी हम लोग देखेंगे। जेरोक्स के पास 2 शॉट है इस बार, और उधर से भी 2 शॉट चला रहे हैं रफ्तार। 2 शॉट के अक्सर प्लेयर हमने देखे काफी तगड़े हेड शॉट्स देते हैं और उनकी मूवमेंट भी काफी तगड़ी रहती है। बिल्कुल 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 गाइस, ऐसा एंगल हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि गाइस आई बटन का भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बिल्कुल उसमें ऐसी जंप जंप नहीं देखने को मिलता टेढ़ा मेढ़ा, मेरे ख्याल से जंप तो ज्यादा हो जाते हैं शायद। चलिए देख लेते हैं, मैच बहुत लंबा खिंच चुका है, दोनों तरफ से प्लेयर ट्राई कर रहे हैं हेडशॉट लेने की, पर दोनों ही असफल रहे फिलहाल, और ये जोन मेरे ख्याल से मैच जीतता हुआ नजर आएगा दोनों प्लेयर का। अलग प्रॉब्लम भाई साहब यहाँ पे दोनों प्लेयर क्या, तो दोनों प्लेयर अरे रे रे, चलिए मैच 3-3 पे आ गया। चलिए ठीक है, चलिए जेरोक्स काफी तगड़े शॉट्स दे रहे हैं पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस मैच के अंदर, तो ब्रो मैच किधर जाएगा ये बताइए पहले तो। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लिटरली, सच बोलूं तो गेम का अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं एक एक तरीके से पलटा भारी है जेरोक्स का, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि खेला खाया बंदा है भाई वो, जेरोक्स का गेम प्ले और ज्यादा निखर का आता रहता है, पर आज देखेंगे
यहाँ पर रफ्तार को निखरने देंगे या फिर इनको रस्ते में रोक देंगे। फिलहाल फाइट वन ऑन वन की काफी चौजस तरीके से चल रही है। दोनों ही प्लेयर हेडशॉट की तलाश में, पर कोई भी हेडशॉट नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि दोनों ही प्लेयर से ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पर रफ्तार को फिर से गिरफ्तार, फाइनली क्योंकि पिछला राउंड भी पूरा ऐसे निकल गया किसी हेडशॉट। पोल का रिजल्ट क्या है भाई? पोल का रिजल्ट चल रहा है 60% बंदों के रिजल्ट, सॉरी एग्जाम चल रहे हैं अभी 40% के नहीं चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट 9000 वोट पे ये पोल अभी करंट चल रहा है। अभी मैंने फिनिश नहीं किया, फिनिश करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, मिल जाएंगे किसको कितना वोट मिले। बट अभी तक का पोल का मैंने बता दिया, 9000 वोट में से 60% बंदों के चल रहे हैं एग्जाम और 40 के नहीं चल रहे। हेलमेट उड़ा दिया यार उसने, जेरोक्स की दूसरी गोली कनेक्ट नहीं हुई। बंदा वहीं चला जाता है। ग्लू बॉल कैसे जमीन में लगने लगती है? हाँ नीचे ही चली जाती है यार, पता नहीं क्या खिली चाहिए। नहीं क्या, अरे भाई जोन फिर आ गया यार, ये प्लेयर घड़ी नहीं पा रहे। ओ गया गया गया, इसको जीत जाएगा रफ्तार, कवर कर लिया। ओ चार चार चलिए, फाइनली कमबैक हुआ कैसे ही ना कैसे, इंतजार नहीं होता भाई। अब चलिए देखते हैं फिलहाल इस मैच का इंतजार, देखते हैं किधर पलटेगा, क्योंकि रफ्तार भी काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं हेडशॉट ढूंढने की, पर दोनों प्लेयर मारने में सफल हो रहे हैं। यहाँ पर उसने चार बार लगातार हेड मारे और यहाँ पर आमने सामने हुए थे, पर प्लेयर काफी फाइट काफी लंबी खींची है उस कपड़ों। ओहो, जब दोनों प्लेयर जबरदस्त रहते हैं इंटेंस मैच, देखो मूवमेंट से तो देख लिया हम लोगों ने दोनों का जबरदस्त है। अब यहाँ पे बात है एक्यूरेसी की, सर एक्यूरेसी की बात की जाए तो रफ्तार ने दो हेडशॉट यहाँ पे लगाए, दो बार एलिमिनेट हुए जीरो, जीरो ने चार हेडशॉट यहाँ पे लगाया और फिर से यहाँ पे हेड लिया था। उनकी फाइट देखते हैं चलिए कैसी होने वाली है। बंदा हील करेगा जरूर, जून आ रहा है और जेरोक्स भी तैयार अपनी दो शॉट के साथ, और यहाँ पे बंदा निकलेगा पर सामने फिर से ग्लू वाले, और ये मुकाबला मेरे ख्याल से यार जून जीत तो नजर आएगा मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल फिर से यहाँ पे गाइस, और बट इस बार रफ्तार यार टोटल 9 राउंड में से 3 बार एलिमिनेट हो चुके हैं प्लेयर। फिलहाल यहाँ पे नागिन बंदी हुई है, देखते हैं कितनी देर तक नागिन बनते हैं हमारे। चल दिए फिर से तैयार, वुड पीकल ले लिया इस बार हाथों में और साथ है डेजर्ट ईगल और 200 यहाँ पे। देखेंगे इन दोनों से क्या स्ट्रेटजी में चेंज आएंगे, क्या दूर से खेलेंगे थोड़ा या फिर पास से खेलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे जेरोक्स मेरे ख्याल से शॉट में सीधा जाएंगे, पर जेरोक्स के पास भी डेजर्ट ईगल है और इनके सामने हर एक गन फेल होती है जब उनके डेजर्ट ईगल चलती है, और सब काफी तगड़े तगड़े हेड मारते हैं जेरोक्स। जी गाइस, तब यहाँ पे इनकी बात की जाए डीगल चलती है तो भाई अच्छे अच्छे प्लेयर्स कहाँ पुटते हैं, क्योंकि ये डीगल इतना अच्छा चलाते भाई, बहुत खतरनाक। BKS गेमर्स थैंक यू फॉर बॉडी, विटामिन स्क्वाड को बुलाओ भाई, विटामिन स्क्वाड को बुलाएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कर लो मेरे को पता है। बूम बूम बूम, या फिर रफ्तार थोड़े से मिसिंग जरूर लगे हैं, बट वही है कि लास्ट तक भाई अभी भी स्कोर इक्वल है तो जबरदस्त ही बोलेंगे। बट इसका स्पीड लगता है भाई किसी प्लेयर को भी यहाँ पे पीछे कर रहा है, ऐसा ये प्लेयर हम लोग लगते हैं यहाँ पे रफ्तार का जो मूवमेंट है, बस थोड़ा एक्यूरेसी में काम करना पड़ेगा और कर भी रहा है भाई। 3 हेडशॉट जेरोक्स को मारने इजी बात नहीं है अभी तक, 4v5 बोले। चलिए देख लेते हैं कैसा गेम प्ले दिखाने वाले हैं। फिलहाल फाइट वन ऑन वन की 5v5 पे मैच जरूर चल रहा है, काफी अच्छे तरीके से दोनों प्लेयर सर्च कर रहे हैं हेडशॉट लेने के लिए, पर सफल हो जा रहे हैं बार बार। फिलहाल देखेंगे जून आ रहा है पीछे से, जून से पहले अपके बारे में फाइट कंप्लीट करनी पड़ेगी, कहीं दोबारा से फिर से जून ना जीतते हुए नजर आए ना प्रो मैच को। गए कुछ भी हो सकता है, इस बार पहले ही फिनिश कर दिया, लग रहा था कि ये लास्ट जोन तक जा सकते हैं वाला राउंड भी, बट जेरोक्स ने इस बार पहले ही देखेंगे कर दिया। जेरोक्स यहाँ पे फिर से तैयार होकर निकले हैं बाहर फाइट के लिए, वन ऑन वन की दोनों तरफ से बेहतरीन जबरदस्त मुकाबला दिख रहा है। 7-5 से आ गए, फिर 6-6 पे मैच जाने वाला है, अगर 6-6 पे मैच जाता है तो दिल की धड़कने बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी। खैर अभी भी दिल की धड़कने तेज है, क्या लड़का यहाँ पे जो नया नवेला है और 6-6 पे मैच ला पाएगा नहीं, निकले जरूर है काफी तेज पे भाई। तैयार 6-6 बोल गया ना तो मैं तो बोलूंगा फिर तो कोई भी यहाँ पे बाजी मार सकता है। गिल्स की बात कीजिए तो गिल्स में थोड़ा सा आगे जरूर है जरूर, क्योंकि 2 राउंड में यहाँ पे एलिमिनेट हुए थे यहाँ पे जरूर यहाँ पे एलिमिनेट हुए थे, और एक राउंड में यहाँ पे रफ्तार एलिमिनेट हुए थे। बिल्कुल भाई यहाँ पे काफी तगड़ा गेम दिख रहा है इन प्लेयर्स की तरफ से, चाहे कैसा भी सही पर सामने बंदा परफॉर्म दे रहा है, ढीला सही या कैसा भी सही पर बंदा ट्राई कर रहा है, पूरा हार्ट डाल रहा है। जैसे हमारे पास वो 777 थे वैसे ही एक और प्लेयर निकल जाता है, रफ्तार से बीट किया यार इस बार तो, सच में रफ्तार से बीट किया नोस्टो ब्रो। जेरोक्स को पता नहीं चला कब बंदा लेफ्ट में आके हेड मार गया। गेम वाली लाइन है कि भाई बस मेरा गेम प्ले चेक कर लो, मेरा गेम प्ले चेक करो, मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म को बनाने में हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर हुए, कि सारे प्लेयर्स को लग रहा है आप सभी को भी कि हाँ ये यूट्यूबर है कि यहाँ पे हम लोगों को चांस मिल सकता है, यहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ इस चैनल पे हो सकता है। और जो हो भी रहा है अभी आप लोग देख रहे हो गाइस कितने प्लेयर्स यहाँ पे निकल चुके हैं, बहुत सारे
बट गेम पे फोकस करते हैं। गेम बिल्कुल गर्मा गर्मी पे यहाँ पे आ चुका है। वो ये इसमें भी कोई एलिमिनेट यहाँ पे होने वाला है। अगर एलिमिनेट अगर जेरोक्स एलिमिनेट हुए तो कहीं ना कहीं फिर रफ्तार के किल जेरोक्स से कम रह जाएंगे यहाँ पे। अरे जीत गया रफ्तार, जीत गया गाइस। यहाँ पे कवर जरूर कर लिया अपने आपको। जेरोक्स यहाँ पे बाजी मार गए भाई। जेरोक्स की ये किस्मत थी भाई यार, कितनी खतरनाक किस्मत है जेरोक्स की भाई। जब भी 6-6 होता है ना जेरोक्स यहाँ पे बाजी मार लेता है। आई थिंक नीचे जेरोक्स ही था गाइस, जेरोक्स ही जीता आई थिंक सो। बट